हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ निफ्टी और बाई निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यह बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। देखिए, कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कशन किए थे, आज मार्केट कंप्लीट अगेंस्ट मूवमेंट किया है, तो कोई बड़ा ट्रेड हमें आज मिला नहीं है। केवल स्ट्रगल में एक प्रॉफिट मिला है, इसके बाद कोई ट्रेंडिंग का ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रिवर्स हो गया। देखिए, बैंक निफ्टी तो थोड़ा अच्छे जगह में ओपन हुआ था, मॉर्निंग में 35,000 के बिलो ओपन हुआ, 34,800 के आसपास। हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि इस पॉइंट के बिलो यहाँ से बार बार ऊपर जाके फिर से सेलिंग प्रेशर में यहाँ पर क्लोज करता है, राइट। तो 34,800 के बिलो जाएगा तो एक बड़ा ट्रेड हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। 34,200 300 एटलीस्ट आना चाहिए था मार्केट को। बैंक निफ्टी जब 34,800 के आसपास ओपन हुआ, तो मैंने आप लोगों के शेयर किया था कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, निफ्टी पहले ऊपर जाए फिर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में कि 35,000 या 35,100 200 सबका कॉल सेल कर सकते हैं, ये सेफ हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। तो अगर आप लोगों ने ट्रेड लिए रहे होंगे तो एसएल तो नहीं लगा है, क्योंकि जब मार्केट यहां से रिवर्स किया यहां पर, तो मैंने ट्रेड क्लोज करा दिया, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू हाई बना रहा था। जब तक बैंक निफ्टी यहां था, निफ्टी ऑलरेडी यहां जा चुका था। हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कशन किए थे कल, कि अगर ये सब पॉइंट के ऊपर मार्केट रहता है तो फिर इधर ट्रेवलिंग करेगा, मतलब इधर साइडवेज हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। निफ्टी लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक हाई यहां तक जा चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड को क्लोज कराया। अपन भी ट्रेड किए थे, आप लोग भी मैंने टेलीग्राम चैनल में क्लोज कराया। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लिए रहे होंगे, 35,100 200 ये सबका कॉल सेल किए रहे होंगे, तो यहाँ तक थीटा डी के ऑलरेडी आपको मिल चुका रहा होगा, या थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, या फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज किए होंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेंगल बना दिया, क्योंकि हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मार्केट इस रेंज में, इस रेंज तक रह सकता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग कॉल सेल किए थे, लगभग पर लॉट 800-900 रुपये आपको प्रॉफिट मिला होगा। इसके बाद मार्केट लास्ट आवर में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर चलिए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हमारा जो लॉजिक था, आज रिलायंस में भी हमारा एसएल लग गया और भारतीय एयरटेल में भी एसएल हमारा लग गया, तो ट्रेड आज अच्छा नहीं रहा हमारा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। फ्रेंड, देखिए, यहाँ से जो मूवमेंट आया है आरएसआई 5 मिनट के चार्ट में, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, ये कंटिन्यू में मूवमेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। तो मार्केट को एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक यहाँ एक रिवर्सल इधर आना पड़ेगा, या तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 35,000 के आसपास आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, राइट। यहाँ से या तो ओपन हो कि नीचे आ जाए, या फिर ऑलरेडी इधर ओपन हो, इसके बाद एक उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से मार्केट हायर रेंज की तरफ जा सकता है, मतलब 35,200 250 300 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन पहले नीचे आना पड़ेगा, इसी वे में ऊपर नहीं जाएगा। अगर एक गैप अप ओपन हो जाएगा तो टॉप से पहले 5 मिनट के हाई का एसएल रख के अगर रेड कैंडल बनता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो ओपन होके कंटिन्यू बाई नहीं करना है, ओपन होके पहले नीचे जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट करने का चांस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस रेंज के आसपास अगर प्राइस आता है, यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन बनता है इस रेंज के आसपास, मतलब 35,000 34,950 इस रेंज के आसपास, तो फिर एक रिवर्सल आप ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, राइट, मान लीजिए कि मार्केट ये 34,900 के बिलो ओपन होता है, तब फिर मार्केट इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाएगा, ये सब इसका सपोर्ट बन जाएगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा, आप लोग स्ट्रगल या स्ट्रेंगल बना सकते हैं, ओके। लेकिन कल है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन में स्ट्रगल स्ट्रेंगल में प्रीमियम डीके होता नहीं है, तो जो ट्रेड बनाएंगे हम लोग 2 बजे के बाद बनाएंगे, ओके। एक्सपायरी डे के लिए भी मैं 2 बजे ट्रेड बनाता हूँ, लेकिन आज चांस मिला नहीं, क्योंकि मार्केट रुक नहीं रहा था किसी एक रेंज में, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग 2 बजे 2:30 बजे जो आयरन बटरफ्लाई बनाती वो भी ट्रेड नहीं बनाए। तो सिंपल सा लॉजिक कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस पॉइंट को सपोर्ट बना के, यहाँ रेजिस्टेंस बना के मार्केट इस रेंज में ट्रेवलिंग करेगा, तो कोई ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं मिलेगा। फ्लैट फ्लैट खुल के पहले नीचे आए, नीचे से रिवर्सल में ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आए तो रिवर्सल में ट्रेड बन सकता है, गैप डाउन में आपको अपर साइड या डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनेगा, ओके। इसी वे में फ्लो में ऊपर चले जाता है, आपको बाइंग करने का चांस मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, राइट, मतलब यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। और अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो टॉप से हमें शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाएगा। तो वेट करते हैं कल के दिन पे, अगर मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहता है और अगर हायर एंड के आसपास क्लोजिंग देता है इधर, तो हम लोग पोजिशनल बाइंग करके जा सकते हैं, मंडे के लिए एक अच्छा बीटीएस ट्रेड हमारा हो सकता है। तो ये हुआ दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी में भी सिंपल लॉजिक है। देखिए, और अगर आप देखें तो निफ्टी लोअर लेवल से अच्छा मोमेंट आ गया, मैंने आप लोगों को शेयर किया था, निफ्टी में हम लोग यहाँ सेल किए थे, राइट,
मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि अगर ये पहले ऊपर जाता है तो हम लोग इस रेंज के आसपास शॉर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड डाला था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर गया, एसएल कट गया, इसके बाद इस रेंज के ऊपर चला गया, तो फिर ट्रेड इसमें बना नहीं। ओके, हम लोगों ने छोड़ दिया निफ्टी में, क्योंकि अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा था। जब हमारे व्यू के या आपके व्यू के अगेंस्ट मार्केट मूव करने लगे, आप ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि देखिए मैं इसमें बेरिश था। अगर अगेन मैं इसमें बुलिश हो जाता हूँ तो फिर बड़ा मुश्किल है, राइट? पता चले फिर नीचे आ जाएगा तो बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि आपको लग रहा था, आपने एनालिसिस किया था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो आप शॉर्ट का ट्रेड बनाइए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, मतलब बिल्कुल आपके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, तो ट्रेड नहीं डालो तो अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए अब देखते हैं मार्केट। देखिए अगर बॉटम से देखें तो अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर गया, लेकिन स्टिल ओवरबॉट है, राइट? ये ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट के आसपास हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, कंटिन्यू में यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। पहले मार्केट को नीचे जाना चाहिए, राइट? यहाँ यहाँ से ओपन होके पहले नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, और इतने दूर से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट टाइम इसे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, इसलिए मार्केट को नीचे आना चाहिए, इसके बाद ऊपर जाएगा तो ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। तो कल के दिन का जो ट्रेड है, मुझे लगता है साइडवेज हो जाएगा। फिर अगर ये हायर एंड के आसपास क्लोजिंग देता है तो हम लोग बाइंग करके जाएंगे मंडे के लिए, वो ट्रेड हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, तो टारगेट आपको इधर मिल सकता है, मतलब 16,600 700 की तरफ हमें ट्रेड मिल सकता है। अगर गलती से गैप डाउन ओपन हो जाए तो सेम जैसे मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में बताया, इधर इधर का कोई स्ट्रेंगल बना सकते हैं, लेकिन प्रीमियम कम गिरता है, इसलिए हम लोग 2 बजे के बाद ही ट्रेड बनाएंगे। मॉर्निंग का ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा नहीं, ओपन होके पहले नीचे आता है, रिवर्सल होके अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, तो हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और गलती से गैप अप ओपन हो जाए तो हम लोग शॉर्ट के बारे में तैयार रहेंगे। तो ये ट्रेड हमारा हो सकता है, इसके अलावा कोई पैटर्न बनता है तो हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड। अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें हम लोग का ट्रेड कर सकते हैं। पहला है टेकन। देखिए एक अच्छा सेटअप बन रहा है, आईटी में लगभग सभी में एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है। ओके, अगर आप यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न देखें तो बढ़िया रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। ओके, तो ये जो रिवर्सल आ रहा है, इधर इधर का हमें टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, इस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग बाइंग का ट्रेड डाल सकते हैं। जैसे हाई ब्रेकआउट करेगा बाइंग कर सकते हैं। इधर का हमें कोई एसएल डालना पड़ेगा, राइट? मतलब 11:34 के आसपास के एसएल डालना पड़ेगा, 11:41-42 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा इधर का बनना चाहिए, मतलब 11:50-11:55 के आसपास का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो नजर रखिए, लोअर लेवल से ब्रेकआउट आता है तो बाइंग करके हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है वोल्टास। ये भी अच्छा सेटअप बन रहा है, डेली चार्ट में देखें तो लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग का कैंडल बना है आज। ओके, और इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो लगभग ये 2-3 दिन के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर सकता है, अपर साइड में 1020 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो चार्ट वाइज एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड बना के जा सकते हैं। हायर एंड के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आएगा बाइंग कर सकते हैं, आज के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, मतलब 1003-1004 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं, राइट? और लोअर लेवल का इधर का कहीं का हमारा एसएल रहेगा, ये जो स्विंग लो बना हुआ है इस लो का एसएल डाल देंगे, मतलब 994-995 के आसपास के एसएल डालेंगे। ये ट्रेड हमारा अच्छा हो सकता है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो इस स्विंग हाई के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा, मतलब 1020 की तरफ ट्रेड है तो लगभग 13-14-15 रुपए का टारगेट बन जाएगा। तो नजर रखिए लोअर साइड से, अगर ये लोअर साइड से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, राइट? अगर ऊपर खुलता है तो ट्रेड अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है पावर ग्रिड। देखिए चार्ट पैटर्न में बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, और देखिए यहाँ से बहुत दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकआउट करना चाहिए इधर, एटलीस्ट यहाँ तक का मूवमेंट आने की तैयारी कर रहा है। इंट्राडे में इतना बड़ा तो ट्रेड नहीं दे सकते, लेकिन 2-3 रुपया हमें ट्रेड इसमें मिल सकता है इंट्राडे में। तो नजर रखिए एक ट्रायंगल शेप भी बना हुआ है, ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग करके जाएंगे। तो बाइंग का लेवल होगा 225 के ऊपर, थोड़ा 5 मिनट कैंडल यहाँ क्लोज कर जाए फिर आप बाइंग करें। आप 20-30 पैसा ऊपर ही बाइंग करें तो अच्छा रहेगा। लोअर लेवल का ये हमारा एसएल रहेगा 223.50 के आसपास के सेल, 1.5 रुपए के आसपास के सेल, और टारगेट आपका इधर स्विंग हाई के आसपास बनना चाहिए, मतलब 228 के आसपास का टारगेट बनना चाहिए। तो नजर रखिए अपर साइड में ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा ट्रेड का कैंडिडेट हो सकता है। फ्रेंड्स आईसीआईसी पुरुली, इस स्टॉक को ध्यान रखिए, लेकिन ट्रेड थोड़ा सा आप सोच समझ के इसमें करना है। ओके, देखिए एक बड़ा मूवमेंट तो आया है यहाँ पर, एक बड़ा कैंडल भी बना हुआ है, कंटिन्यू में ऊपर जाएगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये स्ट्रीम ओवर बॉट है, राइट? तो अपर साइड में मूवमेंट आ गया है, एक मूवमेंट इधर से आके फिर ब्रेकआउट करेगा तो आपका बाइंग अच्छा बनेगा। ओके, तो हम लोग बाइंग करेंगे अगेन, इसे अपर साइड में ब्रेकआउट कर जाएगा तो, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाए तब, ओके, इसी वे में ऊपर जाएगा नहीं बाइंग करेंगे, नीचे से ऊपर जाए तो हम लोग बाइंग करेंगे। तो नजर रखिए इस स्टॉक में बाइंग का लेवल ये सब पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए, और बाइंग बनना चाहिए 565 के ऊपर। 565 के ऊपर स्टॉप लॉस आपका
561 के आसपास का, 4 रुपए के सेल, और अपर साइड में टारगेट आपका 570 के बाद 575 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो नजर रखिए अपर साइड ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ये है गेल। देखिए गेल का भी प्राइस एक्शन पैटर्न समझे, यहाँ से कंटिन्यू में मूवमेंट इधर आया राइट, ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पर स्टॉक फंस रहा है बार बार, या तो यहाँ से वापस चले जाए राइट तो ट्रेड अच्छा बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, नहीं तो इस स्विंग लो तक जा सकता है। तो नजर रखिए डाउन साइड जाएगा तो हमें 1-2 रुपए का ट्रेड मिल सकता है, बड़ा टारगेट तो नहीं सोच सकते लेकिन 1-2 रुपए का हमें लोअर साइड में ट्रेड मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी छोटा है तो 151 के नीचे ट्रेड करेंगे, 152 का एसएल डालेंगे और लोअर साइड का इसका हमारा टारगेट होना चाहिए, मतलब डाउन साइड में 149 से 148 का भी भाव ये दिखा सकता है, इधर का टारगेट आपको मिल सकता है। तो नजर रखिए लोअर साइड ब्रेक डाउन दे तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड करके इसमें जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।